पंचकुला में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक अमित शाह और मोहन यादव ने सीएम पद के लिए नायब सैनी के नाम पर लगाई मुहर, कल शपथ लेगी नई हरियाणा सरकार। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में भाजपा दल ने सरकार बनाने का दावा किया पेश। कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी सहित कई प्रदेशों के सीएम व डिप्टी सीएम होंगे शामिल। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी की। गेहूं सहित रबी की 6 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों को दिया दिवाली का तोहफा। और सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब व हरियाणा सरकार को पराली जलाने की घटनाएं न रोक पाने पर लगाई फटकार, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। नमस्कार, मैं भानुप्रिया, अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में नई सरकार के गठन से पहले आज पंचकुला में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। इसमें पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पंचकुला पहुंचे। उनकी मौजूदगी में नायब सैनी को हरियाणा का अगले मुख्यमंत्री और विधायक दल के नेता के रूप में चुन लिया गया है। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल शालीमार ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होगा। बैठक के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पूर्व गृहमंत्री अनिल विज और विधायक कृष्ण बेदी ने सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी विधायकों ने सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि पहले जातियों के आधार पर सरकारें चलती थी, लेकिन भाजपा ने पूरे हरियाणा का समग्र रूप से विकास किया है। हरियाणा में मनोहर लाल और नायब सिंह ने 36 बिरादरी के विकास की सरकार चलाई है। भाजपा ने लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाकर एक नया इतिहास रचा है। उसमें सर्वानुमत एक ही प्रस्ताव मिला है जो किशन कुमार बेदी जी और अनिल विज ने रखा, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नायब सिंह जी का। नायब सिंह जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थापना से जो लोगों के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और गरीब कल्याण के लिए नीतियां बनाई, वो नीतियों का एक विजय। हरियाणा की स्थापना 60 के दशक में हुई, तब से अब तक कभी भी कोई भी मुख्यमंत्री लगातार तीसरी बार अपनी पार्टी को विजयी बनाने में सफल नहीं हुआ। इस मौके पर विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नायब सैनी ने पार्टी हाईकमान का आभार जताते हुए कहा कि वे सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें एक बार फिर प्रदेश की सेवा का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि वे पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। उन्होंने विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कहा कि कल 24,000 भर्तियों का रिजल्ट जारी करने के बाद ही मैं सीएम पद की शपथ ग्रहण करूंगा। हरियाणा के उत्सव का भी दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो दिन रात कड़ी मेहनत करके और हमारी डबल इंजन की सरकार नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है और इतना बड़ा विश्वास जो हरियाणा की जनता ने आज तीसरी बार कंटिन्यूटी के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है। ये विश्वास, ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विश्वास है, ये नरेंद्र मोदी जी की ही गारंटी है जिसके ऊपर आज हरियाणा ने विश्वास किया है और ये प्रण हरियाणा के लोगों ने लिया है कि हम मोदी जी के उस संकल्प को 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है उसको आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। हमने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम सबसे पहले उन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। हम अपने हाथ के ऊपर बूढ़ा कायम है और बच्चों का वो रिजल्ट क्या है, हमारे 24,000 बच्चे हैं, 24,000 बच्चों का कल ही जब सब होगा तो कमीशन का पूरा रिजल्ट तैयार है, वो उसको जारी कर देगा। इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रदेश की 90 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस के खाते में 37 सीटें आईं। बैठक से पहले पहुंचे भाजपा विधायकों ने कहा कि वे पार्टी हाईकमान के निर्देशों पर नायब सैनी की अगुवाई में चुनाव लड़कर आए हैं और प्रचंड बहुमत हासिल किया है। जो हुआ है पिछले 10 वर्षों में
उसी को देखते हुए जो माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में, माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एनडीए की सरकार केंद्र में चली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ हरियाणा में जो विकास हुए बिना पर्ची बिना खर्ची का जिस प्रकार से जो काम हुए उसी के अनुरूप ये लगातार तीसरी बार 48 विधायक जीतकर भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में पहुंचे। यार तो बहुत खुशी का माहौल है पूरे हरियाणा में जो है भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है और मैं होडल से बन के आया हूँ। उदयवान जी को मैंने चुनाव में हराया है होडल से, तो जी होडल की तो उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा से कमल खिला है वहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तीसरी बार हरियाणा। तो जीतना तो तय था पर थोड़ी वोट से जीता है इसकी मुझे उम्मीद नहीं। ज्यादा वोट मैं सोचता था कम से कम आधी वोट मेरी आनी चाहिए और आधी वोट और सबकी आनी चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो थी एक जो मीडिया का और जो बड़ा रोल था इसमें और आपका जो ये होते हैं एग्जिट पोल वाले, उन्होंने सब ने कांग्रेस की जीत बताई थी, बीजेपी की 24-25 सीट बताई थी, उसका प्रभाव अंत तक रहा। इसलिए मैं बहुत मामूली मार्जिन से जीता हूँ 4,000 से। वहीं कल पंचकुला में भाजपा के होने वाले शपथ ग्रहण समारोह का डीडी हरियाणा चैनल पर सजीव प्रसारण किया जाएगा। ये प्रसारण दोपहर 1 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक जारी रहेगा। दर्शकों की सुविधा के लिए कार्यक्रम का प्रसारण डीडी हरियाणा के यूट्यूब चैनल पर भी किया जाएगा। वहीं नायब सिंह सैनी को भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद पार्टी नेता कृष्णपाल पंवार, श्रुति चौधरी व अनिल विज ने कहा कि वे सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुना है। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही हमने चुनाव लड़ा था। हरियाणा की जनता ने एक बार फिर भाजपा की नीतियों पर विश्वास जताया है। भाजपा सरकार हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि कल पंचकुला में होने वाले हरियाणा के शपथ ग्रहण समारोह का जनता को बेसब्री से इंतजार है। आज मैं बहुत सभी विधायकों का बहुत मैं धन्यवाद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से नायब सैनी को हमारे विधायक दल का नेता चुना है और कल मुख्यमंत्री की होता है, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। मैं तो पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, 7वीं बार चुन के आया हूँ 7वीं बार, और आज तक पार्टी से कुछ नहीं मांगा है, ना मांगूंगा आगे भी। मुझे कहीं खड़ा कर देंगे मैं वहीं से खड़ा होके काम करूंगा, वहीं से खड़ा होकर छक्के मारूंगा। मैंने एक स्पष्टीकरण दिया था, मेरे बारे में एक दुष्प्रचार किया गया था कि अनिल विज तो बनना नहीं चाहता, तो मैंने उसका स्पष्टीकरण दिया था। नहीं, मैंने कहा था पार्टी बनाएगी तो दायित्व लूंगा, मैंने इनकार नहीं किया। ये एक ईमानदार सरकार है, बिना खर्ची बिना पर्ची। हम मिलते थे गाँव में लोगों को, बच्चों को, वो आते थे कहते थे कि हम अपने बलबूते पे लगे हैं नौकरी। आज भी आपने देखा है कि सबसे पहले जो 24,000 जो बच्चे हैं उनके सबसे पहले कलम से उन्होंने, नायब सिंह सैनी जी ने, जो कमीशन के जो बच्चे हैं वो लगेंगे कल। तो ये एक सरकार है जो बिल्कुल प्रतिबद्ध है लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, जो नौजवान जो वर्ग है उनको आगे बढ़ाने के लिए, महिला वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, सब हमारे पार्टी के सभी बड़े नेता कल इस ऐतिहासिक पल के साक्षी होंगे। देखिए, देश में भी बहुत लंबे अंतराल के बाद 1960 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार स्पष्ट बहुमत की एनडीए की सरकार बनी और हरियाणा में इतिहास रचा गया है कि तीसरी बार लगातार नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कल शपथ लेगी। हरियाणा में भाजपा दल ने आज राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्यपाल को भाजपा के समर्थित विधायकों की सूची सौंपी। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह सहित अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इससे पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ शालीमार ग्राउंड में नई सरकार के होने वाले शपथ ग्रहण की तैयारियों का जायजा लिया। मंगलवार देर शाम को उन्होंने शपथ स्थल का मुआयना भी किया। समारोह में भाग लेने वालों के लिए उचित बैठने की व्यवस्था करने के अलावा लगभग 2,000 बसों और 5,000 छोटी गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। समारोह में लगभग 2 बसें हर विधानसभा क्षेत्र से आएंगी। इस समारोह में 50,000
हजार से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। इस दौरान नायब सैनी ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 17 को होने वाले भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 10 केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, 14 उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल व पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भाग लेंगे। और पूरे हरियाणा के लोगों में एक उत्साह, जोश आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के है, उनकी नीतियों को लेकर के है। और पूरी तैयारियां शपथ ग्रहण समारोह की यहां पर की गई है। 17 तारीख को भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। हमारे एनडीए के भी तमाम नेतागण उस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित होंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्री, हमारी केंद्रीय लीडरशिप भी शपथ ग्रहण समारोह में। देखिए, पूरे देश के अंदर मोदी जी की नीतियों का जो लोगों को एक योजनाबद्ध तरीके से लाभ मिल रहा है, पूरे देश में आदरणीय मोदी जी के ऊपर ही, उनकी गारंटी के ऊपर ही विश्वास देश के लोग कर रहे हैं। इस मौके पर मौजूद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि वाल्मीकि जयंती के शुभ अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। इसमें पार्टी के केंद्रीय नेताओं के साथ एनडीए के घटक दलों, विपक्ष के नेताओं और गैर राजनीतिक संगठनों को भी बुलाया गया है। अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, अपना सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, तमाम केंद्रीय नेता भी और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय नेता और एनडीए घटक दल के सभी राष्ट्रीय नेता और हरियाणा प्रदेश के विपक्षी नेताओं को भी हमने बुलाया। 11 बजे प्रोग्राम की शुरुआत रहेगी और मुझे लगता है 1 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में कल हरियाणा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर जिला पंचकुला में राज्य पुलिस की ओर से आमजन की सुविधा के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। सेक्टर 5 स्थित दशहरा ग्राउंड के चारों तरफ से रूट पूर्ण रूप से दोनों तरफ से बंद रहेगा। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि बेलाविस्टा, शहीद मेजर संदीप सांखला चौक, हैफेड चौक, सेक्टर 4-5 ट्रैफिक लाइट, तवा चौक, शहीद उद्धम सिंह चौक, सेक्टर 9-10 ट्रैफिक लाइट, सेक्टर 8-9 ट्रैफिक लाइट, शक्ति भवन चौक, गीता चौक तक दोनों तरफ से 16 व 17 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक बंद रहेंगे। इस रूट पर ट्रैफिक को लेकर हर प्रकार की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में आमजन से अपील है कि वे इन ट्रैफिक रूट को छोड़कर अन्य वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें। प्रवक्ता ने बताया कि समारोह में आने वाले विधायकों, सांसदों, मीडियाकर्मियों व अति गणमाननीय व्यक्तियों के लिए पार्किंग की अलग से व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा देते हुए उनके डीए में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके साथ ही कर्मचारियों का डीए बढ़कर 53% हो गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारियों को अक्टूबर के साथ जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने के एरियर का भी भुगतान किया जाएगा। और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ, इसको 3% बढ़ाया है और टोटल 9,448 करोड़ एनुअली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के पे चेक में ऐड होगा। बहुत बधाई सबको। इसका कैलकुलेशन वगैरह सब स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला से होता है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन होता है। तो दिवाली से पहले सभी केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को हार्दिक अभिनंदन और बधाई और सभी साथियों को भी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में किसानों के लिए भी कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 150 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2,425 रुपये क्विंटल कर दिया है। इसके अलावा रबी की 5 अन्य फसलों, जौ,
चना, मसूर, सरसों और कुसुम के एमएसपी में भी बढ़ोतरी की गई है। जौ का समर्थन मूल्य 130 रुपये से बढ़ाकर 1950 रुपये प्रति क्विंटल, चने का एमएसपी 210 रुपये से बढ़ाकर 5650, मसूर का एमएसपी 275 रुपये से बढ़ाकर 6700, सरसों तिलहन का एमएसपी 300 रुपये से बढ़ाकर 5950 रुपये और कुसुम में 140 की बढ़ोतरी कर इसका एमएसपी 5940 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। मसूर के लिए 275 रुपीज़ बढ़ाया गया है और सरसों के लिए 300 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और सैफ्लावर यानी कुसुम उसके लिए 140 रुपीज़ की बढ़ोतरी की गई है। एक एक आइटम पे जो कॉस्ट है, कॉस्ट से कितना ज़्यादा एमएसपी है वो इस कॉलम में क्लियरली दिखाया गया है। जो कई बार नैरेटिव की और फेक नैरेटिव की लड़ाई लड़ना चाहते हैं उनके सामने ये सच के आंकड़े अगर परोसोगे तो कई बातें अपने आप में स्पष्ट हो जाएगी। उधर आज केंद्र सरकार द्वारा विपणन सत्र 2025-26 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई बढ़ोतरी का प्रदेश के किसानों ने स्वागत किया है। पंचकुला व जींद जिले के किसानों ने कहा कि एमएसपी में बढ़ोतरी का किसानों को काफी लाभ होगा क्योंकि अब त्योहारों का सीजन भी चल रहा है। प्रदेश व केंद्र की सरकार ने किसानों के हित में अनेक कदम उठाए हैं जिनसे उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। मतलब फसलों में बढ़ोतरी की है ना, ये जैसे सूरजमुखी होगी, गेहूँ होगी, सरसों में इसको सभी किसानों को लाभ मिलेगा, इसके चलते सब किसानों का फायदा होगा। जैसा कि मेरी नॉलेज में आया कि 150 रुपये गेहूँ के दाम सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाए हैं, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। पहले गेहूँ के दाम 2275 रुपये थे, अब 2425 रुपये कर दिए हैं। ये मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ जो कि किसानों के हित के बारे में सोच रही है। जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा 5 फसलों पर एमएसपी बढ़ाने का निर्णय लिया है उस पर हम बहुत खुश हैं और हमारे किसान भी बहुत खुश हैं जिससे कि उनकी दिवाली बहुत अच्छे से मन पाएगी और ये बहुत ही खुशी की बात है। केंद्र सरकार के द्वारा जो फसलों के ऊपर जो एमएसपी बढ़ाने का जो फैसला लिया गया है उसे जो कि किसान वर्ग है वो बहुत ज़्यादा खुश है और बड़ा ही अच्छा ये जो सरकार का कदम है। और बात करें तो जो सरकार ने एमएसपी आज कई सारी फसलों में बढ़ाने का काम किया है, जैसे बात करिएगा गेहूं के ऊपर जो 150 रुपये जो एमएसपी जो केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाया गया है, अब जो गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 2425 रुपये जो हो गया है। उसके साथ साथ ही जो सरसों के जो फसल है, सरसों की फसल के ऊपर भी जो 300 रुपये एमएसपी बढ़ाने का काम केंद्र की सरकार ने किया है, वहीं जो सरसों की जो फसल है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 5950 रुपये होगा। उत्तर भारत में ठंड की दस्तक और फसल कटाई सीजन के साथ ही वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी देखी जा रही है। राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब व हरियाणा सरकार को अपने पिछले आदेश का पालन नहीं करने पर फटकार लगाई है और चेतावनी दी है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो वह राज्य के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि राज्य सरकार पराली जलाने के लिए लोगों पर मुकदमा चलाने से क्यों कतरा रही है और आरोपियों पर मामूली जुर्माना लगाकर उन्हें छोड़ भी क्यों रही है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी फटकार लगाई है। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को अगले बुधवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को भी कहा है। पिछले 3 सालों में पराली जलाने के लिए किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया गया, सिर्फ मामूली जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया। कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से कहा कि वह पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें। गौरतलब है कि पंजाब में 15 अक्टूबर तक पराली जलाने के मामले 1100 से पार जबकि हरियाणा में 500 पार हो चुके हैं। इसी के चलते हरियाणा के 67 गांव रेड जोन और 402 गांव येलो जोन में घोषित किए जा चुके हैं। पराली आगजनी यमुनानगर बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की लगाई गई पाबंदियों के बावजूद कई जगहों पर पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में यमुनानगर में सैटेलाइट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 21 मामले सामने आए हैं। इनमें एक मामले में केस दर्ज किया गया है जबकि 11 मामलों में जुर्माना किया गया है। जिले के कृषि उपनिदेशक डॉक्टर आदित्य डबास ने बताया कि उन्हें सैटेलाइट से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें 21 लोकेशन बताई गई हैं जिनमें से 6 पर आगजनी नहीं
नहीं पाई गई। ऐसे 11 मामलों में किसानों पर जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि इस सीजन में एक किसान पर पराली जलाने का पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी अवधि में पिछले साल 35 मामले सामने आए थे। इस बार मामलों में 70% तक की कमी पाई गई है। लाइट के माध्यम से प्राप्त हुआ है हमें। टोटल 21 ऐसी लोकेशन प्राप्त हुई हैं जहां पर पराली जलने के लिए जो सैटेलाइट से निरीक्षण किया जाता है, और इस दौरान 21 में से 6 लोकेशंस ऐसी हैं जिन पर आगजनी नहीं पाई गई है। एक लोकेशन ऐसी है जो एक्सीडेंटल फायर हुआ है, और एक लोकेशन अंबाला डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। तो 9 हमारी ऐसी हैं लोकेशंस जो कि नहीं पाई गई हैं, एक्सीडेंटल फायर हुआ है, एक आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है। जो हमारी 12 लोकेशन बसती हैं, 12 लोकेशंस पे हमने 11 पे फाइन कर दिया है, जिसको एनवायरमेंटल कंपनसेशन बोलते हैं, और एक लोकेशन पे हमने जहाँ आई है उस पे हमने जो संबंधित किसान था उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। उन्होंने बताया कि पराली जलाने से रोकथाम के लिए किसानों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। हरियाणा के प्रमुख धान उत्पादक जिलों में यमुनानगर भी है, लेकिन यहां सबसे कम ऐसे मामले पाए गए हैं। जिले में अभी तक 50% धान की कटाई हो चुकी है और अगले 10 दिनों में 90% तक कटाई हो जाएगी। प्रशासन की सख्ती व किसानों में जागरूकता और प्रति एकड़ 1,000 रुपये प्रोत्साहन के कारण पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है। किसानों का जागरूक होना, इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सभी चीज़ों के कारण ही आज जो रिडक्शन है रिडक्शन पर पहुँच पाए हैं। और तकरीबन 50% से ज़्यादा धान की कटाई भी हो चुकी है, और जिस तरह मौसम में परिवर्तन आ रहा है उससे लगता है कि आने वाले 10 दिन में तकरीबन 90% जो है धान की कटाई हो चुकी होगी। किसानों से आप ही लिए जिस तरह से संयम उन्होंने बना के रखा है, समझदारी का परिचय दिया है, वो इसी तरह से इस साल आग की घटनाओं को नहीं करेंगे, फार्मों में आग नहीं लगाएंगे। और पिछली बार जो हमारी 98 जगह फायर लोकेशंस आई थी, जो कि इस साल अभी तक 21 है, वास्तविक तौर पर 12 है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की आज से शुरू हुई पूरक परीक्षाओं में नकल पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के प्रबंध किए गए हैं। शिक्षा बोर्ड द्वारा वार्षिक परीक्षाओं की भांति इस बार पूरक परीक्षाओं में भी प्रश्न पत्रों पर अल्फा न्यूमेरिक कोड, QR कोड और हिडन सिक्योरिटी फीचर अंकित किए गए हैं। यदि किसी परीक्षार्थी या छात्र अध्यापक द्वारा पेपर आउट किया जाता है तो उसकी तुरंत पहचान करके संबंधित परीक्षार्थी, अध्यापक, अभिभावक के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी। बोर्ड प्रवक्ता ने बताया कि सभी पात्र परीक्षार्थियों को अनुक्रमांक जारी कर दिए गए हैं। परीक्षार्थी अपना रंगीन प्रवेश पत्र राजकीय या मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्राचार्य अथवा मुख्य अध्यापक या किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवाना सुनिश्चित करें। प्रवेश पत्र एवं मूल पहचान पत्र के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सभी परीक्षार्थी अपने आधार कार्ड पर नवीनतम फोटो अपडेट करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच आदि का प्रयोग वर्जित है। यदि कोई छात्र या अध्यापक नकल में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंचकुला में कल भाजपा के होने वाले शपथ ग्रहण समारोह का DD हरियाणा चैनल पर सजीव प्रसारण किया जाएगा। यह प्रसारण दोपहर 1 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक जारी रहेगा। दर्शकों की सुविधा के लिए कार्यक्रम का प्रसारण DD हरियाणा के YouTube चैनल पर भी किया जाएगा। हरियाणा रोडवेज परिवहन ने त्योहारी सीजन पर लोगों की भीड़ को देखते हुए उनकी सुविधा के लिए 10 रूटों पर अतिरिक्त बस चलाने का निर्णय लिया है। करवा चौथ, दिवाली, भाई दूज और छठ पर्व पर काफी संख्या में लोग सफर करते हैं। ऐसे में बसों में भीड़ बढ़ने से होने वाली परेशानी से निपटने के लिए हरियाणा रोडवेज परिवहन ने करीब 180 बसें अतिरिक्त चलाने का निर्णय लिया है। इन सभी बसों का रूट मैप तैयार कर लिया गया है और सभी पर बसों की संख्या को जल्द बढ़ा दिया जाएगा। गुरुग्राम रोडवेज के महाप्रबंधक प्रदीप कुमार ने बताया कि जिस रूट पर पर्याप्त सवारियां होंगी उसी रूट पर बसों को भेजने की व्यवस्था की जाएगी। पूरे भारतवर्ष में त्योहारी सीजन शुरू है तो उसके लिए हरियाणा रोडवेज की पूरी तरह से तैयारी है। हमने अपने सभी बसों को ऑन रूट कर रखा है। जहाँ पर भी जो भी जिस भी रूट पर ज़्यादा पैसेंजर होंगे वहाँ पर हम एक्स्ट्रा बस लगा देंगे। हमारे पास 187 बसें हैं आज की डेट में। हम सभी बसें जो भी हमारे रूट हैं सब पे बसें चलाएंगे। कोई नया रूट
एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे। जिन रूटों पे अभी चल रही है, यहाँ लोकल में जितने भी रूट हैं हमारे सारे कवर हो रहे हैं, उन पे सब पे बसें चले, उन पे फेरे बढ़ा देंगे, उन पे राउंड जो टू एंड फ्रो चक्कर हैं वो बढ़ा देंगे। टिकट तो हमारी बस के अंदर ही मिलती है, वोल्वो बस का ऑनलाइन पोर्टल है, आप वोल्वो की टिकट ऑनलाइन ले सकते हैं, बाकी टिकटें हमारी मैनुअली होती है। कौशल विकास व औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के आदेश पर आज प्रदेश की सभी राजकीय आईटीआई में रोजगार व अप्रेंटिस मेलों का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में 26 इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। यहां छात्रों ने अपना पंजीकरण करवाया और इंटरव्यू दिया। फरीदाबाद आईटीआई के प्रिंसिपल भगत सिंह ने बताया कि हमें विभिन्न औद्योगिक संस्थानों से 450 नियुक्तियों की रिक्वायरमेंट मिली है। इसके लिए आज इस रोजगार मेले में 26 कंपनियों के प्रतिनिधि पहुंचे हैं। यहां रोजगार को लेकर 210 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 4G अप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी जारी है। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म से इंडस्ट्री को जरूरत और छात्रों को रोजगार उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। यहां अधिकतर कंपनियों में फीटर, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन इत्यादि ट्रेड की मांग ज्यादा है। आदेश अनुसार इंडस्ट्री की डिमांड है, उनको जरूरत है, और हमारे हम जो स्किल दे रहे हैं छात्रों को, उनको भी रोजगार की जरूरत है। तो हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार करके रोजगार मेले के माध्यम से हम छात्रों को रोजगार और प्लेसमेंट दिलवा रहे हैं। जो हमारे पास जो डिमांड आती है, क्योंकि ये ऑटोमोबाइल हमारा जो क्षेत्र है, ऑटोमोबाइल का क्षेत्र है। वहीं विभिन्न कंपनियों से पहुंचे प्रतिनिधियों ने बताया कि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से छात्रों का चयन कर रहे हैं, इसमें उन्हें रोज़गार मिलेगा और कंपनियों की आवश्यकता भी पूरी हो सकेगी। 7 कैंडिडेट्स मतलब सेलेक्ट किए हैं, जिनका ट्रेड फिटर और मशीन टर्नर और मशीनिस्ट है। तो हमारे यहाँ पे CNC एंड VMC मशीन्स की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे बच्चों को ट्रेनिंग मशीन चलाने के साथ साथ उनको सेटिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है, और साथ ही साथ हम उनको प्रोग्रामिंग की सेटिंग भी देते हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मारुति के लिए हम काम करते हैं, मारुति के साथ साथ और भी बड़ी कंपनियां हैं जिनके लिए हम काम करते हैं, और हम एक अच्छा स्टाइफंड देने के साथ साथ बच्चों को अटेंडेंस अवार्ड भी देते हैं, और साथ साथ जब बच्चा कुछ सीखने लगता है, कुछ करने लगता है, तो उसके साथ में हम कुछ इंसेंटिव भी उनको प्रोवाइड करते हैं। रोजगार मेले में पहुंचे छात्रों ने बताया कि इस तरह के मेले के आयोजनों से उन्हें बहुत फायदा होता है। यहां एक ही छत के नीचे एक साथ कई कंपनियां मिल जाती हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि आज वह यहां से नौकरी लेकर घर लौटेंगे। इससे हमें बहुत फायदा होता है कि एक ही जगह पर हमें कई कंपनियां देखने को मिल जाती है इकट्ठे। हमें जॉब के लिए रिगार्डिंग बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे अभी हम देखे आए ग्रैंड प्रिक्स में, देखे आए क्यूबा में, देखे आए इंडिया फैशन में, देखे आए इंटरव्यू, और हमें इसके कॉन्टेक्ट आ जाएगा देर में। हाँ जी सर, इंटरव्यू पास सर बहुत बढ़िया रहा इंटरव्यू, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती सर। जॉब फेयर लगी थी आज, बहुत अच्छी है, बहुत कंपनी आई है इसमें, हमने 2-3 कंपनियों में इंटरव्यू भी दिया है, तो इंटरव्यू देके अच्छा लगा, और उन्होंने बोला भी है कि सेलेक्ट हो जाएगी। बहुत मदद मिलती है सर यहीं से, हमने ग्रेजुएशन ITI की थी, यहीं से हमें जॉब मिल रही है, बहुत अच्छा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान में हुई SCO समिट में हिस्सा लिया। बैठक में हिस्सा लेने इस्लामाबाद पहुंचे विदेश मंत्री का पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री इशाक डार ने उनका स्वागत किया। परिषद के शासन अध्यक्षों की 23वीं बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद को मुख्य चुनौतियां बताते हुए इनसे सख्ती से निपटने की बात कही। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथ के कारण कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कहा कि यदि आतंकवाद जारी रहेगा तो फिर कारोबार को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता। दो देशों के बीच आपसी सहयोग तभी संभव है जब दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। इससे पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, मंगोलिया के प्रधानमंत्री ओयुन एड्रिन और अन्य नेताओं के साथ ग्रुप फोटो सेशन में भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG को उनके स्थापना दिवस पर बधाई दी है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र हमारे देश की सुरक्षा में उनके अटूट समर्पण, साहस और दृढ़ संकल्प के लिए सभी NSG कर्मियों को सलाम करता है। PM ने कहा कि खतरों से राष्ट्र की रक्षा करने के लिए NSG की प्रतिबद्धता सराहनीय है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG को उनके स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में शाह ने कहा कि NSG
स्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा के आदर्श वाक्य पर खरा उतर रहा है। उन्होंने कहा कि एनएसजी ने त्वरित प्रतिक्रिया, सामरिक आश्चर्य, गुप्त संचालन और त्रुटिहीन सटीकता में उल्लेखनीय विशेषज्ञता के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को लगातार मजबूत किया है। मंत्री ने एनएसजी के उन बहादुर जवानों को भी सलाम किया जिन्होंने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।